पंजाब की एक रिच एंड फेमस फैमिली से आने वाले रोमेश भंडारी की हायर एजुकेशन विदेश में हुई और नौकरी में आने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग भी न्यूयॉर्क में हुई और फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे विदेश सचिव की कुर्सी तक पहुंचे। रिटायर होने के बाद उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज वे भारत के सबसे बड़े स्टेट के गवर्नर हैं। तो आइए एक नजर रोमेश भंडारी के करियर पर। अपने एकेडमिक करियर में टॉपर स्टूडेंट रहे रोमेश भंडारी का जन्म 29 मार्च 1928 को लाहौर में हुआ। 1950 में वे इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हुए। 1970 से 1976 के दौरान उन्होंने कई देशों में इंडियन एम्बेसडर के रूप में काम किया और फरवरी 1977 में वे फॉरेन मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी बनाए गए। फरवरी 1985 में वे देश के फॉरेन सेक्रेटरी बने। इसी दौरान वे राजीव गांधी के करीब आए और 31 मार्च 1986 को अपने पद से रिटायर होने के तुरंत बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अगले दिन ही उन्हें AICC में फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया। अगस्त 1988 में उन्हें दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, लेकिन दो साल बाद केंद्र में जनता दल की सरकार बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दोबारा पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। 1991 में भंडारी साउथ दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 15 अगस्त 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उन्हें त्रिपुरा का गवर्नर बना दिया, जहां से जून 1995 में उनका तबादला गोवा कर दिया गया। पिछले दिनों केंद्र में बनी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने 19 जुलाई 1996 को उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। कंट्रोवर्सीज को खूब इनवाइट करते हैं, हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहना पसंद करते हैं। आ बैल मुझे मार, कोई ना कोई बला अपने ऊपर ले लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ विवाद ले लेंगे, इसकी क्या वजह है? मैं तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं, मैं तो कंट्रोवर्सी से भागता हूँ। कंट्रोवर्सी अगर मेरे पीछा करे तो मैं क्या करूँ? अब ये मुझे आप पत्रकार ये शब्द लगा देते हैं मेरे नाम के साथ कंट्रोवर्शियल। जब सिटिजन किड्स का वाकया हुआ तो मैं उपराज्यपाल था दिल्ली का, अब वो कहते हैं कि मेरा नाम जोड़ रहे हैं सेंट किट्स में। कैसे सेंट किट्स में मेरा नाम आप लगा रहे हो? आपको भी तो बहुत जानकारी है क्या हो रहा है। कभी सुना था कि मेरा नाम किसी प्रकार भी सेंट किट्स में है? नहीं। फिर कह दिया हवाला में। हवाला में अगर मेरा नाम होता तो इतना छोटा आदमी तो नहीं हूं कि अखबारों में मुझे हेडलाइन मिलती, एकदम हेडलाइन मिल गई होती। मिली है कोई? अब बाकी कॉन्ट्रोवर्सी क्या लगाते हैं, आप ही पूछ लोगे सवाल, मैं भी दे देता हूँ कि मैं चंद्रा स्वामी को जानता हूँ, मैं कशोगी को जानता हूँ। अरे किसी को जानने में कोई दोष है तो बता दो, अगर ये है तो मैं किसी से ना मिलूं। जब मैं विदेश सचिव था तो मेरी जिम्मेवारी थी अंतर्राष्ट्रीय लोगों को मिलने की, जानकारी करने की। कशोगी से मैं मिला था, क्यों? उसकी बड़ी इज्जत है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया मदद कर रहा था पाकिस्तान का। तो अगर कोई भी ठीक ढंग से जो हमारे विचार हैं सऊदी अरेबिया के बादशाह के पास पहुंचा दे कि आप ही के हित में है। कहते हैं खशोगी से बड़ी प्रॉक्सिमिटी थी आपकी, आपके बेटे की शादी में भी आया और आपके बेटे ने जाके खशोगी के यहाँ हनीमून बनाया, उसकी जो आलीशान नौका थी उस पर। खशोगी मुझे मिले थे लंदन में शादी के पहले, बेटे की शादी के पहले। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई इंडियन वेडिंग देखी नहीं है तो मैं आ सकता हूँ? मैंने कहा ज़रूर आइए, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्यों ना आप आइए। सब जगह तो मेरी जानकारी बहुत लोगों के साथ है, बहुत लोग आए, विदेशी लोग आए, तो खशोगी भी आ गया। अच्छा वो बात जो बेटे की, बेटा हनीमून पर जा रहा था, खशोगी ने कह दिया कि मेरा जन्मदिन हो रहा है तो जन्मदिन की पार्टी पे आना। तो बच्चा था, उसने कहा ठीक है चला जाता हूँ, उसमें क्या बात होगी, कोई गुनाह हो गया उसके साथ? छुपी हुई बात तो है नहीं, क्या मेरा उसके संग कोई धंधा तो है नहीं, उसका कोई हिंदुस्तान के संग धंधा है ही नहीं। तो आप ये मानते कि इंडिया के इंटरेस्ट में आपने अदनान खशोगी से दोस्ती की? भाई अदनान खशोगी के संग दोस्ती नहीं की, उनके संग मुलाकात की, शायद 4 दफे या 5 दफे अधिक से अधिक उनको मैं मिला हूँ। अदनान खशोगी के बाद जो दूसरी कंट्रोवर्सी आपके साथ जोड़ी जाती है वो चंद्रा स्वामी को लेकर है। क्या आप उनको अपना आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल लीडर ये सब मानते थे और बड़ी आपकी उनसे गहरी छंती थी एज ए फॉरेन सेक्रेटरी और बाद में भी?
मैं चंद्रा स्वामी को जानता हूँ 1977 से, जब उनकी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। और एक मेरा नियम है कि किसी के संग अगर दोस्ती हो जाए, किसी को जानो, अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, वो दोस्ती या रिश्तेदारी मैं तोड़ता नहीं। चंद्रा स्वामी के साथ मेरा कोई आर्थिक या और किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है। उनको मैं जानता हूँ, मैं मिलता रहता हूँ, यही बातचीत कर ली इधर उधर की, और कुछ नहीं मैंने किया। मेरे ख्याल में अब लगभग 3 साल तो ज़रूर हो गए ना मैंने उनके साथ टेलीफोन पे बात की, ना उनके साथ कोई मेरी गुफ्तगू हुई किसी प्रकार। सिर्फ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप थी? नहीं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्या है अभी, मैं तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में मानता ही कोई नहीं हूँ, मैं आप स्पिरिचुअल हूँ। नहीं, जैसे अदनान खशोगी के लिए आपने कहा कि आप जब फॉरेन सेक्रेटरी थे, आपने उनका इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक इस्तेमाल किया उनका, तो चंद्रा स्वामी में सी क्या बात थी कि उनसे आपको रिश्ते लेने पड़े, रिश्ते हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में उनसे रिश्ते रखने का क्या मतलब था एज ए फॉरेन सेक्रेटरी? नहीं, ना हिंदुस्तान का रिश्ता, ना विदेशी रिश्ता, कुछ नहीं था। मैं तो कहा 77 से मैं जानता हूँ, 77 में तो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं था मैं बहुत संतों को जानता हूँ, रिश्ता रखता हूँ। सांची के, कांची के शंकराचार्य हैं, उनके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसी तरह से चंद्रा स्वामी से भी रिश्ता, जैसा शंकराचार्य से? ना, शंकराचार्य से जरा दूसरे किस्म का है। शंकराचार्य जी के जरा उनसे कुछ एक दो चीजें धार्मिक भी जो उन्होंने मुझे कही, मुझे उनको अच्छा लगा। इन्होंने कोई धार्मिक बात नहीं, स्वामी जी ने, चंद्रा स्वामी के संग नहीं, मेरी धार्मिक बात नहीं। साधु संत के साथ अगर धार्मिक बात नहीं करते, फाइनेंशियल बात आप कहते हैं नहीं करते, तो बातें क्या होती उनके साथ? अरे, कितनी चीजें होती हैं बात करने की, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या उस नेता ने क्या कहा, उसके क्या विचार हैं, उनके पास लोग आते रहते हैं, तो मेरी दिलचस्पी की बातें होती थी, बहुत कुछ पता लगता था, बहुत में सुनाई नहीं आती थी। आप तो कहते हैं कि जब कोई मुसीबत में हो आपका दोस्त, आप उसको छोड़ते नहीं। चंद्रा स्वामी आजकल मुसीबत में, जेल में पड़े हुए हैं, अब उनका ख्याल आप क्यों नहीं रख रहे हैं? तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? कम से कम एक बार तिहाड़ जेल में मिलकर आइए उनसे। मेरी गलती, मैं क्षमा मांगता हूँ। मिलने जाएंगे? और कंट्रोवर्सी भी डालना चाहते हो तुम मुझे? यही तो बात है, मुझे कहते हो कि मैं कंट्रोवर्सी के पीछे जाता हूँ, और जब मैं कहता हूँ मैं कंट्रोवर्सी से पीछे हट रहा हूँ, तुम कहते हो कंट्रोवर्सी के पास आगे बढ़ो। आजकल आपके दो दोस्तों पे मुसीबत आई हुई है, एक तरफ चंद्रा स्वामी बेचारे केसेस में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने भी आपको काफी पोलिटिकली इनकरेज किया, गवर्नर बनाया, उन पे भी आजकल संकट आया हुआ, वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी भी कुछ मदद कर पा रहे हैं आप? कैसे मौके पे देवगौड़ा जी के साथ हो गए, किनारा कस लिया उनसे? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी की मदद करने का, बहुत ऐसे लोगों की मदद करने में बहुत कुछ कंट्रोवर्सी में फंस गए, अब आराम से मुझे जो काम है काम करने दो।